Not overdo, but act. Not be emotional about things, but act. If you want to do something in your life, you have to act. आपको कुछ भी लाइफ में करना है, आपको कर्म करना पड़ेगा, इस बात को याद रखिएगा. Because merry making, thinking about good things is all right, but not doing something about it is the biggest crime that you can do. You are born poor, that's not your problem. But if you die poor, that is your problem, guys. तो इस बात को याद रखिएगा. चलिए शुरू करते हैं. एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन गाइस, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. एंड आई होप माय वॉइस, माय वीडियो इज ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन. सो वेलकम टू द ग्रेट डेव करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन द हिंदू. एंड टुडे इज 23rd of June. एंड चलिए शुरू करते हैं. शुरू करने से पहले कल हमने आपसे सवाल पूछे थे 5. द फर्स्ट क्वेश्चन, सूर्य किरण इज इन मिल्ट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री. एंड द आंसर वॉज इंडिया एंड नेपाल. पिच ब्लैक कहाँ पर होने वाला था? ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, बट इट वॉज कैंसल ड्यू टू COVID-19. इंदिरा इज बिटवीन इंडिया एंड रशिया. इट इज़ अ ट्राई सर्विस एक्सरसाइज. आर्मी डिफेंस आर्मी मिलिट आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स तीनों ही इसमें आपके पार्टिसिपेट करते हैं. सहयोग काइन इज बिटवीन इंडिया एंड जापान. एंड द लास्ट वन गाइस, संप्रीति नाइन इज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. दैट इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर. सो गाइस, आई वांट एवरीवन टू गिव मी अ लव साइन सो दैट आई कैन नो एवरीवन इज लवली. एंड लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. सो फटाफट जल्दी से लिंक को कॉपी कीजिए एंड प्लीज शेयर द लिंक विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. एंड ये रहा अब आपके सामने हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पर आ जाएगा. विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड इट्स R&D पोर्टल सत्यभामा. इनमें से कौन सा मंत्रालय है जिसने हाल ही में सत्यभामा पोर्टल को लॉन्च किया है? इसका आंसर आपके सामने दोस्तों जो है दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस. माय क्वेश्चन टू एवरीवन इज प्लीज टेल मी हु इज द मिनिस्टर ऑफ माइंस. भारत में माइंस मिनिस्टर कौन है? बाकी की बात करें, अर्थ एंड साइंस मिनिस्टर हैं श्री हर्षवर्धन. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद जी. शिपिंग मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया जी. एंड मिनिस्टर ऑफ MSME हैं नितिन गडकरी जी. मिनिस्टर ऑफ माइंस जो हैं उनका नाम है दोस्तों प्रहलाद जोशी. माई क्वेश्चन टू एवरीवन इज प्रहलाद जोशी इज द लोकसभा सांसद फ्रॉम विच सिटी. कौन से शहर से लोकसभा के सांसद हैं आपके प्रहलाद जोशी? फटाफट आंसर कीजिएगा. आई कैन सी वेरी लेस पीपल वॉचिंग. फटाफट वीडियो को शेयर कीजिएगा विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. फटाफट शेयर कीजिएगा विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. कन्फ्यूज मत होइए, प्रहलाद पटेल डिफरेंट है, प्रहलाद जोशी डिफरेंट है. ये एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल बढ़िया. लेट्स प्रोसीड नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज. एंड हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. Who has been appointed as the chairman of the National Institute of Public Finance and Policy? इनमें से किसे बनाया गया है NIPFP का नया चेयरमैन? आपके सामने हिंट देता हूँ, ही इज़ द फॉर्मर गवर्नर ऑफ द RBI. और यहाँ पर जो इसका आंसर है दैट इज़ ऑप्शन सी, इट इज़ उर्जित आर पटेल, द फॉर्मर गवर्नर, द 24th गवर्नर बिफोर द करंट गवर्नर शक्तिकांता दास. ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द NIPFP. गीता गोपीनाथ कौन है? फटाफट कमेंट कीजिएगा. वाई इज़ गीता गोपीनाथ इन न्यूज़? गीता गोपीनाथ जो हैं शी इज़ द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड्स चीफ इकोनॉमिस्ट, इस वजह से ये न्यूज़ में आपकी बनी रहती हैं. सिमिलरली बीकू BP कनुनगो इज़ द करेंट RBI डिप्टी गवर्नर एंड हिज टेन्योर हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर 1 year. ओवरऑल टेन्योर आपका होता है 5 साल का, जिनमें से फिक्स टेन्योर होता है आपका 3 साल का ऑफ अ डिप्टी गवर्नर और इवन ऑफ अ गवर्नर. एंड देन द टेन्योर कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 2 more years. 2 और सालों के लिए उसको एक्सटेंड हम कर सकते हैं. एंड तरुण बजाज गाइस इज़ द इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी. ही इज़ ऑल्सो अ मेम्बर ऑफ द RBI सेंट्रल बोर्ड. रिसेंटली रघुराम राजन वॉज एडेड इन टू द IMF एज वेल एज इन टू द ADB's 12 member कमिटी फॉर रिस्पॉन्स अगेंस्ट COVID-19. उस वजह से द ग्रेट लेजेंड हिमसेल्फ रघुराम राजन इज़ इन द न्यूज़. समझ में आ रहा है सबको? कतरा कतरा क्लियर हो रहा है. चलिए आगे बढ़ते हैं. Which of the following IIT has developed an ultrasound for COVID-19 screening? इनमें से दोस्तों वो कौन सा IIT है जिसने एक अल्ट्रासाउंड डेवलप किया है फॉर COVID-19 स्क्रीनिंग? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. IIT मंडी, IIT मद्रास, क्या होगा इसका यहाँ पर आंसर? फटाफट आंसर कीजिएगा.
इसका जवाब यहाँ पर क्या होने वाला है? एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट इज़ ऑप्शन डी, इट इज़ आईआईटी पलक्कड़। आईआईटी पलक्कड़ ने दोस्तों डेवलप किया है आपका एक, इट हैज़ बेसिकली डेवलप्ड एन अल्ट्रासाउंड जिससे यू कैन स्क्रीन द COVID-19 केसेस। ये आपका उसके लिए सिर्फ नहीं, ये आपका अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल फॉर दी लंग केसेज एज वेल, फॉर अदर केसेज रिलेटेड टू लंग एज वेल, उसके लिए भी आपका ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गुड मॉर्निंग काजल, गुड मॉर्निंग एवरीवन, फटाफट वीडियो को शेयर करते रहो सबके साथ, फटाफट जल्दी से। चलिए एक सवाल यहाँ पर यहाँ और बनेगा, रिसेंटली तलापिल प्रदीप हैज़ बीन अवॉर्डेड द निकेई एशिया प्राइज़। अभी हाल ही में जो तलापिल प्रदीप हैं उनको निकेई एशिया प्राइज़ दिया गया है। सवाल मेरा आपसे है, विच ऑफ द फॉलोइंग IITs डज इट बिलोंग, एंड द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज इट इज़ ऑप्शन बी, इट इज़ IIT मद्रास से वो बिलोंग करते हैं। रिसेंटली PNB हाउसिंग फाइनेंस हैज़ कोलैबोरेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसके साथ PNB हाउसिंग फाइनेंस ने कोलैबोरेट किया है? तो उसका आंसर है आपका IIT दिल्ली के साथ हाल ही में कोलैबोरेशन आपका हुआ है। जीवन लाइट इज़ अ वेंटिलेटर लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, जीवन लाइट जो वेंटिलेटर है वो इनमें से किसने लॉन्च किया है? तो उसका आंसर जो है दैट इज़ IIT हैदराबाद, बिल्कुल सही आंसर है। गाइज कीप ऑन आंसरिंग, कीप ऑन कमेंटिंग, कीप ऑन शेयरिंग द वीडियो। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर शैल बी ऑन अ 3-day विजिट टू रशिया टू पार्टिसिपेट इन द रशिया इंडिया चाइना एसोसिएशन और द रशिया इंडिया चाइना ग्रुपिंग, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जल शक्ति मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, रेलवेज मिनिस्टर या फिर होम अफेयर्स मिनिस्टर, कौन इस 3-दिवसीय दौरे पर गए हैं? इसका आंसर दोस्तों जो है दैट इज़ ऑप्शन सी, दैट इज़ कड़ी निंदा करने वाले मिनिस्टर, उनका नाम है राजनाथ सिंह, ही इज़ ऑन अ विजिट टू रशिया। अगर हम इनका नाम बताएं आपको, इनका नाम क्या है, ये मेरे ही लखनऊ से हैं, राजनाथ सिंह, ही इज़ द लोकसभा MP फ्रॉम द सिटी ऑफ लखनऊ। मिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स गाइस इज सुब्रमण्यन जयशंकर, ही इज़ पार्टिसिपेटिंग इन द EAG मीट ऑफ FATF जो यूरेशियन ग्रुपिंग है FATF का, उसमें। जल शक्ति मिनिस्टर हैं आपके गजेंद्र सिंह शेखावत जी, ही इज़ द लोकसभा MP फ्रॉम जोधपुर। रिसेंटली जल जीवन मिशन को लेकर ये न्यूज़ में थे बिकॉज ही हैज़ सेड द माइग्रेंट लेबरर्स कैन बी अ पार्ट ऑफ द जल जीवन मिशन, जिसके तहत दे विल बी गिवन अलाउंसेस अंडर द जल जीवन मिशन। मिनिस्टर ऑफ रेलवेज जो हैं उनका नाम है श्री पीयूष गोयल जी, ही इज़ ऑल्सो द मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये नाम भी आपको याद रखना है। और मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं आपके मोटा भाई अमित शाह जी, हु इज़ द लोकसभा सांसद फ्रॉम गांधीनगर, विच इज़ द प्रीवियस लोकसभा क्षेत्र ऑफ LK अडवाणी जी, एंड नाउ अमित शाह इज़ द लोकसभा सांसद ऑफ गांधीनगर गुजरात, याद रहेगा सबको। गाइज कीप ऑन शेयरिंग, कीप ऑन शेयरिंग द सेशन गाइज। यस, वॉट इज़ द परसेंटेज FDI अलाउड अंडर पेंशन फंड्स इन इंडिया, भारत में जो FDI जो आपकी पेंशन फंड्स के अंदर FDI है वो आपकी यहाँ पर कितनी रखी गई है, वॉट इज़ दैट पर्टिकुलर अमाउंट, 50%, 49%, 26%, 74% और इज इट 100%? एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ 49%। माई क्वेश्चन टू एवरी वन इज प्लीज टेल मी विच ऑर्गेनाइजेशन इज़ द रेगुलेटर ऑफ द पेंशन फंड ऑफ इंडिया, भारत में पेंशन फंड का रेगुलेटर कौन है? एंड द आंसर इज इट इज़ PFRDA, दैट इज पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि गाइज अभी हाल ही में कहा गया है फॉर एनी नेबरिंग कंट्री इंक्लूडिंग चाइना दे हैव टू टेक अप्रूवल फ्रॉम दी गवर्नमेंट, ओनली देन दे कैन इन्वेस्ट इन दी पेंशन फंड, बिना अप्रूवल के वो इन्वेस्ट अब नहीं कर पाएंगे। Which of the following state governments has signed a pact for digital classrooms in the state? इनमें से कौन सी राज्य की सरकार है जिसने एक अग्रीमेंट किया है डिजिटल क्लासरूम्स के लिए विद पावर ग्रिड एंड एजुकेशन कंसल्टेंट्स, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सिक्किम या फिर राजस्थान? एंड द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन ई, इट इज़ राजस्थान ने ये कोलाबरेशन आपका दोस्तों जो है वो यहाँ पर आपका किया है, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर, इन्होंने यहाँ पर इस कोलाबरेशन को हाल फिलहाल में आपका किया है। माई क्वेश्चन टू एवरी वन इज रिसेंटली लेक सुखना हैज़ बीन टर्म्ड एज अ वेटलैंड, ये लेक सुखना इनमें से कौन से स्टेट में है? तो उसका आंसर होगा आपका पंजाब हरियाणा में, इट इज़ इन चंडीगढ़। एक और सवाल आपसे बनेगा, रिसेंटली नवाबगंज बर्ड सेंचुरी has also been included in a Ramsar site or in a wetland. तो ये जो नवाबगंज बर्ड सेंचुरी है ये आपका इनमें से कहाँ है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ उत्तर प्रदेश।
रिसेंटली आपका कान्हा नेशनल पार्क न्यूज़ में था। मेरा सवाल आपसे है, ये कान्हा नेशनल पार्क आपका इनमें से कहाँ पर है? एंड द आंसर इज़ इट इज़ ऑप्शन सी, दैट इज़ मध्य प्रदेश। सगा दवा जो कि बहुत ही फेमस मशहूर फेस्टिवल है नॉर्थ ईस्ट का, वो इनमें से किस स्टेट में पाया जाता है? अब मैंने आपको बहुत ही आसान कर दिया, द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन डी, दैट इज़ सिक्किम। सिक्किम इज़ द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया गाइस, कीप ऑन लाइकिंग। यस, आगे बढ़ते हैं। फेमस पर्सनालिटी के सुरेंद्रन हैज वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? के सुरेंद्रन का संबंध इनमें से किस पर्टिकुलर प्रोफेशन से था? जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सोशल सर्विस या फिर आपका आर्ट्स? एंड द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन सी, दैट इज इनका नाम है आपका पॉलिटिक्स से इनका संबंध था। माई क्वेश्चन इज कि पॉलिटिक्स कहाँ के पॉलिटिशियन थे? एब्सोल्युटली करेक्ट, कांग्रेस पॉलिटिशियन थे, पर कहाँ के? केरला के, कर्नाटका के, तमिलनाडु के? फ्रॉम विच स्टेट डिड ही बिलोंग? इसका जवाब मैं कई बार ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। बिल्कुल सही, पॉलिटिक्स बिल्कुल सही जवाब है आपका। एंड ये जो आपके ही वॉज अ लीडर गाइज ऑफ फ्रॉम केरला, दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, केरला से आपके दोस्तों ये लीडर थे। आगे बढ़ते हैं। फेमस पर्सनैलिटी राजेंद्र गोयल वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? मशहूर पर्सनैलिटी राजेंद्र गोयल का संबंध इनमें से किससे था? जर्नलिज्म, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, सोशल सर्विस या फिर आपका साइंस? और यहाँ जो आंसर है दैट इज़ ऑप्शन सी, दैट इज़ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में वो भी क्रिकेट से थे एंड ही इज़ द क्रिकेटर, ही वॉज द क्रिकेटर विद द हाइएस्ट नंबर ऑफ रणजी ट्रॉफी विकेट्स। इनके नाम हाइएस्ट नंबर ऑफ रणजी ट्रॉफी विकेट्स हैं, मोर देन 750 विकेट्स इन्होंने रणजी ट्रॉफी में लिए हैं एंड इनसे ज़्यादा विकेट्स किसी ने भी दोस्तों अब तक नहीं लिए हैं इन दी रणजी ट्रॉफी। तो इनका नाम है दोस्तों मिस्टर राजेंद्र गोयल। इनको कुछ समय पहले ही वॉज ऑल्सो अवार्डेड द सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द BCI एंड ही हैज़ रिसेंटली पास्ड अवे। एंड याद रखिएगा, ही हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ रणजी विकेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेट अप अ पैनल फॉर डेवलपिंग अ जॉब प्लेटफॉर्म फॉर माइग्रेंट लेबरर्स? इनमें से दोस्तों वो कौन सा आपका संगठन है या डिपार्टमेंट है जिसने एक जॉब प्लेटफॉर्म बनाया है माइग्रेंट लेबरर्स के लिए? और इसका आंसर दोस्तों जो है दैट इज़ ऑप्शन बी, इट इज़ नीति आयोग। मेरा सवाल आपसे है, इस पर्टिकुलर पैनल के अध्यक्ष कौन होंगे? इस पैनल के अध्यक्ष होंगे आपके अमिताभ कांत, हु इज़ द CEO ऑफ नीति आयोग। वो इसके दोस्तों यहाँ पर अध्यक्ष होने वाले हैं। अब एक सवाल पूछता हूँ, लेट्स हैव अ क्विज, ऑलराइट, एंड लेट्स हैव अ क्विज ऑन ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस। प्लीज टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑब्जर्व्स द फाउंडेशन डे ऑन मे द 3rd। इनमें से 3rd मे को कौन आपका फाउंडेशन डे ऑब्जर्व करता है? तो उसका आंसर होगा एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज़ DST। माई क्वेश्चन टू एवरीवन इज, प्लीज़ टेल मी हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन आर कंट्री? भारत में MCA के मिनिस्टर कौन है? हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स? इसका आंसर है द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, निर्मला सीतारमन जी इसकी मिनिस्टर हैं। दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। एग्जिम बैंक हैज़ एक्सटेंडेड $20.10 million टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? इनमें से किस देश के लिए $20.10 million का अमाउंट दिया है एग्जिम बैंक ने? बहुत ही सिंपल सवाल है एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइज इज इट इज़ ऑप्शन सी, दैट इज़ निकारागुआ। अब मेरा आपसे सवाल यहाँ पर है, फटाफट बताइएगा कि निकारागुआ का कैपिटल करेंसी क्या है? कल ही मैंने इसको डिस्कस किया है कि वॉट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी गाइज ऑफ निकारागुआ। बहुत ही सिंपल है एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइज इज इट इज़, इसका आंसर है आपका मनागुआ, दैट इज़ द कैपिटल, एंड द करेंसी गाइज इज़ कोर्डोबा। मैंने कल ही इसको डिस्कस किया है। फिर अगर बात करें यहाँ पर होंडुरास की, होंडुरास इज़ द नेबरिंग कंट्री ऑफ निकारागुआ एंड इसका जो कैपिटल है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको याद रहेगा, ये इसका दोस्तों कैपिटल है एंड द करेंसी इज लेम्पीरा। देन गाइज वी हैव कोस्टारिका, कोस्टारिका का कैपिटल है सैन होजे एंड द करेंसी ऑफ कोस्टारिका गाइज इज़ अ वेरी फेमस इत्र, दैट इज कोलोन। एंड देन वी हैव गैबोन इज़ एन अफ्रीकन कंट्री और गैबोन का जो कैपिटल है दैट इज लिबरविल, दैट इज़ द कैपिटल ऑफ गैबोन एंड द करेंसी ऑफ गैबोन गाइज इज़ सेंट्रल अफ्रीकन CFA franc। एंड द लास्ट वन गाइज इज़ युगांडा, युगांडा न्यूज़ में था बिकॉज इंडिया ने यहाँ पर एक वॉर गेम सेंटर बनाया है बाय द नेम भारत और इंडिया। युगांडा का कैपिटल जो है दैट इज़ कंपाला एंड द करेंसी ऑफ युगांडा गाइज इज़
शिलिंग, दैट इज एब्सोल्यूटली द करेक्ट आंसर. बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स प्रोसीड नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एंड हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज मेट्रो हैज बीन रीनेम्ड एज शीमैन. इनमें से कौन से शहर का जो मेट्रो स्टेशन है उसे शीमैन नाम दिया गया है? एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इट इज ऑप्शन बी, इट इज नोएडा. नोएडा का जो मेट्रो स्टेशन है उसे शीमैन नाम दिया गया है. नोएडा का कौन सा मेट्रो? नोएडा सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन हैज बीन रीनेम्ड एज शीमैन. लेट्स आस्क यू सम क्वेश्चंस. प्लीज टेल मी द नेम ऑफ द सिटी वेयर द इंटरनेशनल ट्रेड फेयर एंड ऑल्सो द इंटरनेशनल बुक फेयर रिसेंटली वॉज हेल्ड. And the answer is, it is Delhi. Please tell me which is the city where the Defence Expo as well as the 123rd birth anniversary of Swami Vivekanand was held on the National Youth Day. And the answer of this question is, it is Lucknow. Please tell me the city where the Wings India Summit, where the Wings India Summit and also the Bio Asia Summit took place. किस particular शहर में आपका हुआ था? इसका answer है आपका हैदराबाद. हैदराबाद में आपका ये हुआ था. Please tell me the city where we have the Pran Vayu program being launched, number one. And number two, it also hosted the World Productivity Congress. ये दोनों चीज़ें यहाँ पर host की गई थी. इसका answer जो है, that is Bengaluru. Bengaluru is absolutely the correct answer. I hope aapko maza aa raha hoga. I hope everyone is enjoying the session to the core. Please give me a thumbs up. Yes sir, yes sir, yes sir, yes sir, yes sir, yes sir, yes sir. In the meantime, I want everyone to share the video with their friends and family. Fatafat video ko share karte raho sab log. Chaliye aage badhte hain. Which of the following has been included as a wetland of India? Inme se kise dosto haal hi mein ek wetland ki tarah India mein include kiya gaya hai? Dudh Sagar Lake, Buller Lake, Sukhna Lake, पिचोला लेक या फिर आपका डल लेक. एंड द आंसर इज, इट इज़ ऑप्शन सी, इट इज़ द सुखना लेक जिसको अपॉइंट किया गया है एज अ वेटलैंड. मेरा सवाल आपसे है, दूध सागर लेक इज़ नियर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो दूध सागर लेक आपका गोवा जो है उसके रास्ते में आपका पड़ता है. वुलर लेक एंड डल लेक आपका जम्मू कश्मीर में है. और सुखना लेक जो है, जो आप लोग जानते होंगे, सुखना लेक गाइज इज़ बेसिकली इन सुखना लेक बेसिकली गाइज इज़ इन चंडीगढ़, ठीक है. और आखिरी में आपको बचा जो लेक पिचोला है. लेक पिचोला आपका बेसिकली इट इज़ एन आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक. इट इज़ इन उदयपुर राजस्थान, वहाँ पर आपका लेक पिचोला है. एंड इट वॉज क्रिएटेड इन 1362, ऑलराइट. एंड इट इज़ इन द पिचोला विलेज और ये काफ़ी फेमस आपकी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है. चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The 25th edition of the National Reading Day is observed on which of the following dates? इनमें से कौन सी तारीख को जो 25वां edition है National Reading Day का उसको observe किया गया? बहुत ही simple सवाल है. And the answer of this question guys is, it is option D, that is June 19. अगर हम यहाँ पर बात करें July 11 की, July 11 the world observes the World Population Day. इस डे को यहाँ पर याद रखिएगा. अगर हम यहाँ पर June 17 की बात करें तो फैमिली तो आपका जो यस टू कॉम्बैट ड्रॉट एंड डिसर्टिफिकेशन ऑफ लैंड, इसका दिन आपका होता है ऑन जून 17, ठीक है. और जून 26 की बात करें, जून 26 को आपका होता है द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग. मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, उसके लिए आपका ये दिन आपका ऑब्जर्व किया जाता है. एंड देन आपको पता है जून 23, ये दो दिन होते हैं आपके. पहला होता है आपका द यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे. आई अगेन रिपीट, यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे एक तो ये होता है. एंड सेकेंड आपका जो होता है, इट इज़ द इंटरनेशनल ओलंपिक डे. ये दिन भी आपका इसी दिन ऑब्जर्व किया जाता है. दैट इज़ एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर गाइस. चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं एंड ले चलते हैं आपको हमारे अगले क्वेश्चन पर. Which of the following country has committed to 200 million euros to support India's COVID response? इनमें से वो कौन सा देश है जिसने बंती कुमार जी, कल से आपको हिंदी मिल जाएगा. अभी आप फोकस करो कंटेंट पे, कल से आपको हिंदी मिल जाएगा, आप परेशान बिल्कुल ना हो. यस गुलशन, इट इज़ हेल्पफुल फॉर स्टेट PCS. बिल्कुल गुलशन. एंड द आंसर इज, इट इज़ ऑप्शन सी, दैट इज़ फ्रांस. फ्रांस इसका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है. अच्छा, अब मेरा यहाँ पर सवाल बनेगा, लेट्स आस्क यू क्विज. Project Artemis is associated with which of the following? It is the very same country
जिसने ओपन स्काई ट्रीटी को हटाया है. इट इज़ द वेरी सेम कंट्री विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द पैरिस अग्रीमेंट. इट इज़ द वेरी सेम कंट्री वेयर द वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप विल बी हेल्ड. तो इसका जो आंसर होगा दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. यहाँ जो आंसर है दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. एक और सवाल बनेगा, प्लीज़ टेल मी द नेम ऑफ द कंट्री विच बेसिकली हैज़ स्टॉप्ड फंडिंग टू नेपाल. उसने नेपाल की जो फंडिंग है उसको स्टॉप कर दी है. इट हैज़ डेजिग्नेटेड हेजबोल्ला एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. हेजबोल्ला को उसने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाया है. थर्ड, इट हैज़ होस्टेड द सेंट पीटर्सबर्ग समिट. सेंट पीटर्सबर्ग समिट उसने होस्ट किया है. एंड फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट हैज़ ऑल्सो साइंड एन MOU विद इंडिया फॉर इंडियन रेलवेज. इसका आंसर जो होगा दैट इज़ जर्मनी. एंड द लास्ट क्वेश्चन गाइस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. प्लीज़ टेल मी, इट इज़ द को चेयर ऑफ टू ऑर्गेनाइजेशंस. वन, द CDRI स्टार्टेड बाय इंडिया. सेकेंड, द सेंट पीटर्सबर्ग समिट. सेकेंड, इट इज़ द होस्ट ऑफ द ग्लोबल वैक्सीनेशन समिट. थर्ड, अजेय वॉरियर इज द एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड दिस कंट्री. थर्ड, फोर्थ, इट हैज़ सजेस्टेड D10 इकोनमीज फॉर डेमोक्रेसी. एंड द आंसर इज़ इट इज़ बिल्कुल सही, इट इज़ UK. क्या बात है गाइस, मज़ा आया दोस्तों, सब कुछ समझ में आ गया everyone. ओके, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. एंड हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. विच कंपनी इज द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू रीच 11 ट्रिलियन इन मार्केट कैपिटल. गाइस कीप ऑन शेयरिंग, वी हैव टू क्रॉस 500 टुडे. फटाफट वीडियो को सब लोग शेयर करते रहो. इनमें से वो पहली भारतीय कंपनी कौन है जिसने 11 ट्रिलियन डॉलर्स का जो मार्केट कैप है उसको बीट किया है. इसका आंसर है ऑप्शन डी, इट इज़ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. मुकेश अंबानी इज ऑल्सो द नाइन्थ रिचेस्ट पर्सन. टाटा सन्स की बात करें तो इसके जो चेयरपर्सन हैं N. चंद्रशेखरन, उनको ऐड किया गया है टू द RBI सेंट्रल बोर्ड. RBI का जो सेंट्रल बोर्ड है उसमें ऐड किए गए हैं N. चंद्रशेखरन, उस वजह से टाटा सन्स आपका न्यूज़ में है. विप्रो में वी हैव थियरी डेलापोर्ट हु हैज़ रिप्लेस्ड अबिदाली निमुचवाला एज द न्यू MD CEO. और SBI की तो क्या बात करें, दे हैव लॉन्च्ड VCare डिपॉजिट फॉर सीनियर सिटीजन्स, उस वजह से भी आपका SBI न्यूज़ में है. दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड भारत इंस्टा पे विद BSNL, उस वजह से भी आपका SBI जो है वो न्यूज़ में है. दे हैव ऑल्सो इन्वेस्टेड ग्रीन बॉन्ड्स इन द गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, उस वजह से भी आपका वो न्यूज़ में है. माय क्वेश्चन टू एवरीवन इज़ व्हाट इज़ द अमाउंट दैट इज़ रेज्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज़. कितना अमाउंट रेज किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने, बहुत ही सिंपल है. एंड द आंसर इज़, इसका आंसर जो होगा एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज़ आपका 1.68 लाख करोड़. कितना करना था दोस्तों, कितना करना था उनको, करना था 1.16 लाख करोड़, और कितना कर दिया उन्होंने, 1.68 लाख करोड़. दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. सो गाइज, आउट ऑफ 15, 15 में से अगर आपके 15 और 15 हो, गॉड तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो. अगर 15 में 14 है, यू आर वेरी वेरी गुड. अगर 13 है, वेरी गुड. 13 अगर 12 है, गुड. पर अगर 11 से कम है, भाई मेरे, नॉट ऑल इज़ वेल. बिकॉज आपको फिर रेगुलर होना पड़ेगा, इसका मतलब है आप रेगुलर नहीं हो. सो everyone, please प्लीज़ गिव मी अ स्कोर कार्ड अपना फटाफट, बिकॉज अगर आपका 11 से कम है देन यू आर नॉट गुड. अगर 11 से ज़्यादा है यू आर ग्रेट. बट प्लीज़ गाइज, इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर 11 से कम है प्लीज़ बी रेगुलर. जो लोग लेस देन 10 वाले हैं प्लीज़ बी रेगुलर इन दिस सेशन. ऑल राइट, थैंक यू सो मच. चलिए अब आते हैं लेवल अप विद ग्रेड अप पे. जो लोग पहली बार आए हैं, लेवल अप विद ग्रेड अप गाइज इज़ बेसिकली अ न्यू इनिशिएटिव जहां पर हम क्वेश्चंस का लेवल को अप कर दिया है. ऐसे क्वेश्चंस आपको किसी भी और सेशन में नहीं मिलेंगे. लेट्स प्रोसीड टू द फर्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट सत्यभामा. सत्यभामा के बारे में इनमें से दोस्तों कौन सा आपका स्टेटमेंट सही है. इट स्टैंड्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट. It has been launched by Ministry of Mines. Third, it has been designed and developed by NIC. क्या इनमें से गलत है, क्या इनमें से सही है. And the answer is तीनों के तीनों ही सही हैं. Ministry of Mines under Prahlad Joshi सही है. NIC National Informatics Center led by Neetu Verma सही है. और इसका full form है Science and Technology योजना for आत्मनिर्भर भारत in Mining Advancement. I want everyone to please for the last time प्लीज़ कमेंट दिस, बिकॉज मैं चाहता हूँ आपको ये याद रहे. सो प्लीज़ ये जो फुल फॉर्म है सबके सब
प्लीज कमेंट करिए इन द कमेंट सेक्शन, फटाफट कमेंट कीजिएगा जल्दी से फटाफट एवरीवन। ओके, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट एनुलर सोलर एक्लिप्स? अ सोलर एक्लिप्स अकर्स व्हेन द मून पासेस बिटवीन द सन एंड अर्थ। सन और अर्थ के बीच जब मून आता है उसे हम सोलर एक्लिप्स कहते हैं। एनुलर सोलर एक्लिप्स अकर्स जब सन मून और अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, बल्कि एक सेम प्लेन पे भी होते हैं। टोटल एक्लिप्स तब अकर होता है जब सन मून और अर्थ आपकी एक लाइन के अंदर होते हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? एंड द आंसर इज सब सही है, आज सब कुछ सही है, 1, 2 and 3। सो गाइज आई होप नाउ एवरी वन इज अलाइन, आई होप अब आपका फोकस आ गया होगा। सो आई वॉन्ट एवरी वन नाउ टू फोकस ऑन द बिग स्टोरी। वी हैव टूडे 3 बिग स्टोरीज गाइज एंड देन वी स्टार्ट विद द हिंदू एनालिसिस। ऑल राइट, गिव मी अ थम्स अप इफ यू ऑल आर इन्जॉइंग द सेशन एवरी वन। इन द मीन टाइम आई गिव यू 5 seconds, प्लीज कॉपी द लिंक एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट वी कैन रीच मैक्सिमम पीपल। हमारा टारगेट है टू रीच 1000 लाइव व्यूअर्स लाइक द प्रीवियस मंथ इन दिस पर्टिकुलर मंथ इज वेल। आगे बढ़ते हैं और आते हैं हमारे आज के पहले हेडलाइन पर। यूरेशियन ग्रुप ऑन कम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। गाइज द मीटिंग वॉज शेड्यूल्ड फ्रॉम टुडे, तो आज ये मीटिंग आपकी स्टार्ट हुई है या आज मीटिंग आपकी एक तरह से ये आपकी ख़त्म होने पे है। एंड फ्रॉम इंडिया द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, इनका नाम है सुब्रमण्यम जयशंकर। ही पार्टिसिपेटेड इन दिस पर्टिकुलर इवेंट गाइज, और इन्होंने इस मीटिंग में दोस्तों हाल ही में इन्होंने पार्टिसिपेट यहाँ पर किया। अब एक यहाँ पर सवाल बनेगा कि सर ये मीटिंग आपकी है क्या? बेसिकली इट इज़ अ मीटिंग ऑफ द 9 मेंबर कंट्रीज ऑफ द EAG एंड द EAG बेसिकली स्टैंड फॉर द यूरेशियन ग्रुप ऑन कम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग टेररिज्म। ये EAG का फुल फॉर्म है। EAG गाइस इज बेसिकली अ एसोसिएट बॉडी ऑफ FATF, जहाँ पर FATF का फुल फॉर्म है, अ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। प्लीज डू नॉट नोट डाउन, ये सारा कुछ इस PPT में, इस PDF में है, आपको मिल जाएगा। सो इसका जो 32nd मीटिंग था उसमें दोस्तों वो यहाँ पर गए। द मेन एजेंडा गाइज ऑफ कोर्स वाज द COVID-19 क्राइसिस, कैसे उसको टैकल करें, उसी एजेंडा को लेकर यहाँ पर ये मीटिंग आपकी दोस्तों की गई। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आपको समझना है तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि EAG है क्या। जैसे मैंने पहले आपसे बताया, बेसिकली इट इज़ अ रीजनल बॉडी विच कंसिस्ट ऑफ 9 कंट्रीज। उन कंट्रीज़ के नाम याद करने पड़ेंगे, इंडिया, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस। दीज आर 9 कंट्रीज। दिस पर्टिकुलर ग्रुपिंग वॉज सेटअप इन 2004 और एंड इट इज़ एन एसोसिएट बॉडी ऑफ FATF। द अग्रीमेंट ऑन द यूरेशियन ग्रुप वॉज साइंड इन 2011 में जून में इस अग्रीमेंट को साइन किया गया था। जैसे मैंने पहले आपसे कहा, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द FATF। आइए ज़रा FATF की बात कर लेते हैं। FATF इज़ अ इंटर गवर्नमेंटल बॉडी ऑफ द वर्ल्ड। इट वॉज सेटअप इन 1989 एंड इट वॉज सेटअप अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ G7, विच इज़ द ग्रुप ऑफ 7 नेशंस ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। FATF का हेडक्वार्टर्स हैं आपका पेरिस में, विच इट शेयर्स विद OECD। ओवरऑल देर आर 38 मेम्बर्स ऑफ द FATF। FATF इज़ फेमस फॉर द ब्लैक लिस्ट, इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर द ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट आर इज़ अ लिस्ट ऑफ दोज कंट्रीज विच आर नोन एज नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज ऑन टेरिटरीज, NCCTs। मैं रिपीट फिर से कर दूँ, वो सारे देश विच आर अंडर द NCCT, दैट इज़ द नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज, आर लिस्टेड एज ब्लैक लिस्ट कंट्रीज विच आर नॉट कोऑपरेटिव इन टर्म्स ऑफ मिनिमाइजिंग टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग को कम करने में और टेररिज्म को कम करने में वो कोई भी रोल नहीं प्ले कर रहे। द सेकेंड लिस्ट गाइज इज़ ग्रे लिस्ट, कंट्रीज दैट आर कंसिडर्ड सेफ हेवन फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग। ऐसे देश जहाँ पर ऐसे सबूत पाए गए हैं, दे हैव बीन एविडेंसेज दैट दीज कंट्रीज हैव टेरर फंडिंग एंड दे ऑल्सो हैव मनी लॉन्ड्रिंग। फॉर एग्जाम्पल, ग्रे लिस्ट में आपका पाकिस्तान आता है और ब्लैक लिस्ट में आपका ईरान आता है। दोनों में अंतर है। ईरान इज़ इन द ब्लैक लिस्ट एंड ग्रे लिस्ट में आपका पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान लगातार दूसरे साल, इट इज़ फॉर द सेकेंड ईयर एंड पाकिस्तान इज़ अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लिस्ट। समझ में आ गया सबको, कतरा क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन। सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये हमारी अगली खबर है दोस्तों। सांसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने कहा है कि दिस पर्टिकुलर योजना इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव।
उन्होंने क्लियर कहा है कि इस योजना का जो 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 एक यूज़ होना था, जो इसका एक यूटिलाइजेशन होना था, दैट यूसेज दैट यूटिलाइजेशन हैज़ नॉट हैपन्ड। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं द मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट नरेंद्र सिंह तोमर की मिनिस्ट्री ने कहा है कि द सांसद आदर्श ग्राम योजना और सैगी हैज़ नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। इसका कोई भी आपका इम्पैक्ट यहाँ पर फिलहाल नहीं है। आइए ज़रा जान लेते हैं ये योजना आपकी होती क्या है। बेसिकली दिस योजना, जिसको हम सैगी के नाम से जान सकते हैं, इस योजना को शुरू किया गया था इन 2014। इस योजना का मकसद ये था कि ईच एमपी, हर एक एमपी को हैड टू चूज़ अ ग्राम पंचायत, ऑलराइट, और उस ग्राम पंचायत को चूज़ करके उसका डेवलपमेंट करना था। ये इसका अहम मकसद था, ठीक है। बाय मार्च 2019 एवरी एमपी हैड टू चूज़ 3 ग्राम पंचायत, 3 ग्राम पंचायत को उनको चूज़ करना था, उनको डेवलप करना था, और इनमें से एक का टारगेट अचीव होना चाहिए बाय 2016, ठीक है। ये भी यहाँ पर कहा गया था। सिमिलरली 2024 तक द ग्राम पंचायत अडॉप्टेड बाय द एमपीज शुड इंक्रीज फ्रॉम 3 to 5। तो रिपीट फिर से कर दूँ आपको, सांसद आदर्श ग्राम योजना वो स्टार्ट इन 2015, एवरी एमपी हैड टू चूज अ ग्राम पंचायत, बाय मार्च 2019 दे हैड टू चूज 3 ग्राम पंचायत, एटलीस्ट 1 का टारगेट दे हैड टू अचीव बाय 2016, बाय 2024 दे हैड टू अडॉप्ट 5 ग्राम पंचायत इंस्टेड ऑफ 3, 3 से ज़्यादा 5 उन्हें यहाँ पर अचीव करना था। आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पर दे वॉन्ट द टारगेट वॉज टू मेक द ग्राम पंचायत इन टू अ आदर्श ग्राम। आदर्श ग्राम एक ऐसी ग्राम पंचायत है विच विल हैव पॉपुलेशन ऑफ 3 to 5,000 इन प्लेन एरियाज एंड 1 to 3,000 इन हिल एरियाज एज वेल एज ट्राइबल और डिफिकल्ट एरियाज। तो उसको डेवलप करने के लिए ये योजना बनाया गया था, पर क्लियरली यहाँ पर मिनिस्ट्री ने कहा है कि दिस योजना इज नॉट एट ऑल इफेक्टिव। समझ में आ गया सबको, एवरीवन? आई होप एवरीवन हैज टेकन अ स्क्रीनशॉट। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं एक नए आइलैंड पे गाइस। उस आइलैंड का नाम है सोकोटरा आइलैंड। क्या नाम है उस आइलैंड का? उस आइलैंड का नाम है सोकोटरा आइलैंड। अब गाइस, ये आइलैंड आपका न्यूज़ में क्यों है? व्हाई इज दिस आइलैंड इज इन द न्यूज़? तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस। आपके सामने स्क्रीन पर ये आइलैंड दिख रहा है, दिस इज द सोकोटरा आइलैंड, दिस इज द सोकोटरा आइलैंड एंड इट वॉज ओन्ड बाय सऊदी अरेबिया, बट the rebels from Yemen, they have taken power in this particular island. इस आइलैंड पे उन्होंने कब्जा कर लिया है। इस आइलैंड की बात करें, this island that is the Socotora island, it is located between the Guadafui channel, that is a water channel, and the Arabian Sea. ये Guadafui channel और Arabian Sea के बीच आपका एक island है। इट इज़ जस्ट ऑन द माउथ ऑफ गल्फ ऑफ ईडन। जो गल्फ ऑफ ईडन है उसके मुहाने पर, उसके माउथ पर आपका स्थित है। और 2008 में दिस आइलैंड वॉज डेजिग्नेटेड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। 2008 में इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर आपका माना था। द रीज़न वाई ये न्यूज़ में है, बिकॉज सदर्न पावर्स ने इस पर्टिकुलर आइलैंड पर कब्जा कर लिया है एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ इन द न्यूज़। समझ में आ गया आपको? आइए आपको दिखा भी देता हूँ, ये रहा आपके सामने, जो कि स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। It is also known as Socotora, between Guadafui Channel and the Arabian Sea. It is the largest of the 4 islands in the Socotora Archipelago. अब सवाल आएगा कि सर आर्किपेलागो क्या होता है? आर्किपेलागो is basically a group of islands in a sea. एक sea में, एक सागर में जो group of islands होते हैं ना, उनको हम कहते हैं आपका आर्किपेलागो, ठीक है। तो उस आर्किपेलागो में 95% जो एरिया है उसे अकेला ये जो आपका आइलैंड है दैट इज सोकोटरा, ये आपका कवर करता है। याद रहेगा सबको, इस वजह से आपका ये न्यूज़ में था। कतरा क्लियर हो गया है सबको? प्लीज़ गिव मी एन आंसर येस और नो, ताकि मैं समझ पाऊँ आपको ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, जो कि ये रहा आपके सामने। अब आते हैं दोस्तों हमारे द हिंदू एनालिसिस में। जैसे मैंने पहले आपसे कहा है, प्लीज़ गाइज डाउनलोड द हिंदू PDF, ताकि हम डिस्कस कर पाएँ डिटेल में अबाउट द डेली करंट अफेयर्स फ्रॉम द हिंदू। आई होप एवरीवन हैज़ डाउनलोडेड द PDF, नहीं किया है कल से कर लीजिएगा। डिफेंस वालों, वीडियो को शेयर करते रहो, आज आपको 200 क्रॉस करना है
एंड बाकी बैंक वालों फटाफट वीडियो को शेयर करते रहो, आज हमें 500 क्रॉस करना है फटाफट एवरीवन। एंड एसएससी वालों आप लोग बहुत स्लो चल रहे हो यार, फटाफट कीप ऑन शेयरिंग द वीडियो एवरीवन। यस यस वेल डन यस। चलिए तो आते हैं हमारे आज के पहले एनालिसिस पर। अ कपल ऑफ डेज बैक आई हैड डिस्कस्ड अबाउट द सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मैंने डिस्कस किया था डिटेल में अबाउट द सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जहाँ पर अ पार्लियामेंट्री बिल्डिंग इज बींग सेटअप बाई 2022 एंड द सेंट्रल कैबिनेट सेक्रेटेरिएट विल बी सेटअप बाई 2024। बट नाउ वन ऑफ द डिपार्टमेंट्स कंसर्न्ड विद द आर्किटेक्चर ऑफ द डेवलपमेंट, एक डिपार्टमेंट है, एक एजेंसी है जो कि इस पूरे मामले को अप्रूवल देगी, दैट एजेंसी हैज़ रिटर्न द फाइल ऑफ द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट फॉर फाइनल डिटेल। उन्होंने कहा है कि इसमें और रिसर्च कीजिए, मेक इट मच मोर थरो, मेक इट मच मोर बेटर। उसके लिए दोस्तों ये एक न्यूज़ आपके सामने स्क्रीन पर हमने आपको दिखाई है। सो जो दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन है, द दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन हैज़ नॉट अप्रूव्ड द सेंटर्स प्रपोजल टू कंस्ट्रक्ट अ पार्लियामेंट बिल्डिंग। उसने अप्रूव नहीं किया है केंद्र के प्रपोजल को कि वो एक पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाए बाय 2022। इस पर्टिकुलर कमीशन ने कहा है कि जो प्रोजेक्ट है उसको फिर से आप चेक करिए। दिस प्रोजेक्ट वॉज अर्लियर अप्रूव्ड बाय द एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी ऑफ द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री एज वेल एज द सेंट्रल विस्टा कमिटी। ऑलरेडी इसको सरकार ने अप्रूवल दिया है, पर जो दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन है उसने इसको अप्रूवल दोस्तों फिलहाल आपका नहीं दिया है। अगर हम बात करें दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन की, इफ यू टॉक अबाउट द दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, दिस कमीशन हैज बीन फॉर्मड इनटू बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1973 एंड बेसिकली ये एडवाइस करती है अबाउट सेंटर ऑन द मैटर्स ऑफ प्रिजर्वेशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ सियाटल अर्बन एंड एनवायरमेंट डिज़ाइन। ये राजधानी के शहरी पर्यावरणीय डिज़ाइन के सौंदर्य गुणवत्ता के संरक्षण विकास और रखरखाव के मामलों पर केंद्र को सलाह देती है। तो इस वजह से ये अभी तक अप्रूवल आपका नहीं गया है एंड ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द DUAC ओनली देन द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट विल बी अप्रूव। याद रहेगा सबको, मैं हो जाता हूँ मिस्टर इंडिया हो जाता हूँ, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा कि जो भी आपके मैटर्स हैं रिगार्डिंग प्रिजर्वेशन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, मेंटेनेंस हो गया, उसके लिए ये जो आपका डिपार्टमेंट है वो कंसर्न्ड है और इसने अभी तक अप्रूवल आपका दोस्तों जो है वो नहीं दिया है। याद कर लिया सबने, एवरीवन क्लियर हो गया, कतरा कतरा दिमाग में साउंड हो गया। ओके लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन गाइस। अनहैप्पी विद IMD, IMD का फुल फॉर्म है इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। बेसिकली दिस डिपार्टमेंट प्रिडिक्ट्स द वेदर फोरकास्ट। तो आप सबने देखा होगा 2019 में हाउ डिड केरला सफ़र फ्रॉम द फ्लड्स, केरला में बहुत भारी फ्लड आया था। सो केरला वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द फोरकास्टिंग मैकेनिज्म ऑफ द IMD, इसीलिए द केरला गवर्नमेंट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट that has roped in private forecasting companies for weather forecasting। उन्होंने private forecasters को fund किया है ताकि वो rate कर पाएँ Kerala के अंदर weather forecast को। आइए स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूँ, ये रहा आपके सामने। For the first time a state government will be funding a private weather company। पहली बार एक आपकी एक स्टेट गवर्नमेंट है जो एक प्राइवेट वेदर कंपनी को दोस्तों आपका फंड करेगी। दिस पर्टिकुलर कंपनी विल अलर्ट and also warn the government of Kerala for any extreme climate events। इसके लिए the approval has been given by the Kerala Disaster Management Department, इन्होंने approval दिया है and they have released 95 lakh rupees to three private companies, SkyMet, Earth Networks and IBM Weather Company। SkyMet को, Earth Networks को और IBM को, इन companies को 95 lakh rupees दिए हैं for starting their business। Reason क्या है इसका? Reason है आपका द डिवस्टेटिंग फ्लड ऑफ 2019 का जो बहुत ही घातक फ्लड था वो इसका एक बड़ा रीज़न यहाँ पर बताया जा रहा है। और अगर हम IMD की यहाँ पर बात करें, IMD विच स्टैंड्स फॉर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वॉज सेटअप इन 1875। डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा वॉज द करेंट हेड एंड न्यू दिल्ली में आपके इसके हेडक्वार्टर्स हैं। रिसेंटली आपका IMD न्यूज़ में था बिकॉज IMD सजेस्टेड द साइक्लोन निसर्ग इन महाराष्ट्र और इनकी जो प्रिडिक्शन थी वो 100% सही रही थी।
सो लेट्स सी कि कब तक ये अग्री होता है. बट एक सवाल यहाँ पर बनेगा कि द स्टेट गवर्नमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड प्राइवेट फोरकास्टर्स फॉर अलर्ट्स, एंड द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज इट इज़ आपका द केरला स्टेट गवर्नमेंट. केरला ने इसको अप्रूवल यहाँ पर दिया है. अगली खबर पर दोस्तों आते हैं. वन ऑफ द 51 शक्तिपीठ ऑफ इंडिया, दुनिया भारत के 51 शक्तिपीठ में से एक आपका एक शक्तिपीठ है जिसका नाम है द कामाख्या टेम्पल. कामाख्या टेम्पल में हर साल वी ऑब्जर्व द अम्बुबाकी फेस्टिवल. कौन सा फेस्टिवल? द अम्बुबाकी फेस्टिवल. इट इज़ द एनुअल मेंस्ट्रुएशन फेस्टिवल ऑफ कामाख्या. ये एनुअल आपका मेंस्ट्रुएशन फेस्टिवल होता है कामाख्या का. कई लोग इस वर्ड को समझते हैं टैबू, मैं इसको टैबू नहीं समझता. पीपल शुड डिस्कस अबाउट मेंस्ट्रुएशन. मेंस्ट्रुएशन बेसिकली टू एन एक्सटेंट कैन कुड बी कॉल्ड एज the clearance of blood from females. basically menstruation festival जो है वो आपका होता है अम्बुबाकी में, ठीक है. और अम्बुबाकी फेस्टिवल नाम है उसका. और ये हर साल आपका कहाँ पर होता है? हर साल ये होता है आपका इन द स्टेट ऑफ असम, ठीक है. एंड दिस टाइम इन द 500 ईयर हिस्ट्री ऑफ दिस फेस्टिवल देर विल बी नो फैनफेयर, नो पब्लिक. कोई भी पब्लिक इस फेस्टिवल में दोस्तों इस साल आपकी नहीं जाने वाली है. तो पहली बार 1565 के बाद कामाख्या फेस्टिवल में लोग नहीं जाएंगे. ये बंद दरवाजे में आपका ये फेस्टिवल जो है वो आपका होने वाला है. तो रिपीट फिर से आप क्लियर कर दूंगा इस कामाख्या फेस्टिवल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम विल हैपन विदाउट एनी फैनफेयर, विदाउट एनी पब्लिक. आइए जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं. इस फेस्टिवल का नाम है दोस्तों आपका अम्बुबाकी. दिस फेस्टिवल इज़ द एनुअल मेंस्ट्रुएशन फेस्टिवल ऑफ द प्रिसाइडिंग गॉडेस विच बिगैन एट द कामाख्या टेम्पल. इट बिगैन विदाउट मेडिकेंस, बिना पंडितों के, बिना साधुओं के, बिना डिवोटीज़ के. 5 साल में ऐसा पहली बार आपका हुआ है. कामाख्या टेम्पल की बात करें तो इसको बनाया था दी लेच्छा डेनेस्टी ने. लेच्छा डेनेस्टी ने इसको दोस्तों बनाया था और इसको रिबिल्ड किया था को किंग नारा नारायण ने और अहोम किंग्स ने. और 8th से 17th सेंचुरी के बीच आपका कामाख्या टेम्पल जो है वो बना था. गाइज अगर हम बात करें इसके अंदर टेम्पल्स की, इट कंसिस्ट ऑफ 6 टेम्पल्स एंड 8 मोन्यूमेंट्स. यहाँ पर 8 आपके मोन्यूमेंट्स हैं और आपके 6 टेम्पल्स इस पर्टिकुलर टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर हैं. यहाँ पर दो ही सवाल बनेंगे. द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी अम्बुबाकी इज द फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट. आंसर क्या लिखिए फटाफट. द आंसर विल बी असम. सेकेंड सवाल यहाँ पर बनेगा द कामाख्या टेम्पल इज इन विच सिटी. द आंसर इज इन गुवाहाटी. थर्ड सवाल बनेगा वॉट इज द नेम ऑफ द गॉडेस ऑफ अम्बुबाकी, उसका नाम देख लीजिएगा. एंड विच डेनेस्टी कंस्ट्रक्टेड द कामाख्या टेम्पल. इट इज़ द लेच्छा डेनेस्टी और लेच्छा डेनेस्टी जिसने इस पर्टिकुलर टेम्पल को कंस्ट्रक्ट आपका किया था. समझ में आ गया एवरीवन? प्लीज़ आंसर कर दीजिएगा यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, हमें समझ में आ गया है. चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं. मैं आपके हट जाता हूँ, मिस इंडिया हो जाता हूँ. ये आपके सामने, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट जल्दी सब लोग. यस चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन गाइस. एंड हियर ही आपके सामने हमारी अगली खबर. इंडियन बॉर्न पाक शिया स्कॉलर हैज़ पास्ड अवे. इनका नाम है दोस्तों तलीब जौहरी. इनकी पैदाइश इंडिया में हुई थी और ये बहुत ही फेमस पोएट थे. और इनका 80 वर्ष की उम्र में दोस्तों देहांत हो गया है, ठीक है. और यस ही वॉज रिस्पेक्टेड पोएट गाइज. एंड इनका देहांत दोस्तों अभी हाल ही में हो गया है. एंड इनका नाम है तलीब जौहरी हु हैज़ रिसेंटली पास्ड अवे. अगली खबर दोस्तों जो है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम जापान. देखो एक रीजन है, उस रीजन का नाम है द साउथ चाइना सी. क्या नाम है उस रीजन का? द साउथ चाइना सी, ठीक है. द साउथ चाइना सी मेरे हिसाब से इट इज़ द मोस्ट डिसरप्टेड, मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल रीजन स्पेशली इन एशिया. एशिया का सबसे जो कॉन्ट्रोवर्शियल रीजन है वो आपका साउथ चाइना सी है. इसी रीजन में वी हैव अ आइलैंड कॉल्ड एज सेनकाकू. दिस आइलैंड इज़ कॉल्ड सेनकाकू बाय जापान एंड द वेरी सेम आइलैंड इज़ कॉल्ड एज दियायू बाय ताइवान एंड चाइना. मैं रिपीट फिर से कर दूंगा. इस एक आइलैंड उसका नाम है आपका सेनकाकू, ऑलराइट. और इट इज़ ऑल्सो नोन एज दियायू बाय ताइवान एंड चाइना. जापान का एक आपका एरिया है जिस एरिया ने इस पर्टिकुलर आइलैंड का नाम चेंज किया है. इट हैज़ रीनेम्ड दिस पर्टिकुलर एरिया एंड द रीनेम ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया गाइस इज नाउ तोनोशिरो सेनकाकू. ये इसका नाम रखा गया है
Tonoshiro Senkaku. Earlier the name was Tonoshiro और अब इसका नाम जो है वो रखा गया है as Tonoshiro Senkaku. This name has been changed by a city called as Ishigaki, which is a city in Japan. उसने इसका नाम चेंज किया है और इसका रीज़न दिया है कि Ishigaki already has a island by the name Tonoshiro. इसके पास ऑलरेडी एक आइलैंड है जिसका नाम Tonoshiro है, तो क्योंकि ऑलरेडी एक आइलैंड Tonoshiro के नाम से है इसलिए इसने इसको रीनेम यहाँ पर दोस्तों जो है वो कर दिया है. याद रहेगा आपको एवरीवन, आप सबको याद रहेगा ये चीज़. तो आइए जरा स्क्रीन पर देख लेते हैं, ये रहा आपके सामने, स्क्रीन पर आपके सामने आ गया. अ लोकल असेंबली ऑफ द Ishigaki सिटी हैज़ चेंज द नेम ऑफ द Senkaku आइलैंड्स एज विच इज़ नोन बाय ताइवान एंड चाइना एज दियाओस फ्रॉम Tonoshiro टू Tonoshiro Senkaku. दिस आइलैंड इसलिए चेंज किया गया बिकॉज एक और पार्ट का नाम यहाँ पर Tonoshiro रखा गया था. समझ में आया दोस्तों? अगर किसी को लग रहा है बोरिंग प्लीज़ कमेंट कर देना, अगर बढ़िया लग रहा है प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप. एवरीवन, आई वांट एवरीवन टू अगेन बी फोकस्ड. फटाफट जरा एक बार फटाफट कमेंट कीजिएगा अगर आपको मज़ा आ रहा है तो. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट सेगमेंट गाइस. एंड ये रहा आपके सामने हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जो कि अब आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा. ओके, SBI mobilizes 13,212 kg gold through the GMS. यहाँ पर दोस्तों GMS का जो फुल फॉर्म है दैट इज़ गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम. तो जो हमारा SBI है उसने करीब 13,212 kg का जो गोल्ड है उसे अचीव किया है थ्रू द GMS. अब एक सवाल आएगा, आदित्य झा को लग रहा है बोरिंग. अरे मेरे भाई, जिगर के छल्ले भाई, आंसू आ जाएंगे मेरे को, मम्मी. ऑल राइट, चलो तो आइए ज़रा इसको डिस्कस कर लेते हैं. ये रहा आपके सामने. अगर हम बात करें इस गोल्ड डिपॉजिट स्कीम की गाइस, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि यू कैन प्रोवाइड द गोल्ड टू द बैंक. ऑल राइट, आफ्टर मेल्टिंग द बैंक विल एक्स. फॉर एग्जांपल, आपने 600 ग्राम गोल्ड दिया 22 कैरेट का, उसको ये मेल्ट करेगा एंड उसको ये अपने पास रखेगा. ठीक है, इट विल गिव अ 1% इंटरेस्ट पर एनम ऑन दैट और आफ्टर 5 ईयर्स आपको ये गोल्ड बार्स के फॉर्म में आपको ये वापस कर देगा. सो रिपीट फिर से आपके लिए कर दूंगा इस. तो ये आपका जो एक अरे राज भाई, तो अगर आपको नींद आ रही है आप चले जाइए. आप क्यों सेशन देख रहे हैं? आप जाके सोइए. इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ रात में सोया करिए. प्लीज़ वेक अप अर्ली एंड प्लीज़ हैव 6 hours ऑफ स्लीप. ऑलराइट राज भाई, प्लीज़ आप इज्जत के साथ जाइए. यस, हाँ तो रिपीट फिर से कर दूंगा इस. द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम इज बेसिकली अ स्कीम इन विच द बैंक विल टेक गोल्ड फ्रॉम द पीपल. वो लोगों से गोल्ड लेंगे एंड गोल्ड लेने के बाद उस गोल्ड को वो अपने पास रखेंगे जिस पर वो इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे टू द कस्टमर. नंबर वन. नंबर टू, उस पर्टिकुलर गोल्ड को वापस करेंगे आफ्टर 5 years इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड बार्स. गोल्ड बार्स के फॉर्म में दोस्तों वो उसको यहाँ पर वापस करने वाले हैं. ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन गाइस, जो कि ये रही आपके सामने. चलिए आगे बढ़ते हैं. हाँ, अब आते हैं दोस्तों हमारे आज के एनालिसिस में फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स. और ये रहा आपके सामने और ये स्क्रीन पे आपके सामने आ जाएगा. इसका फ़ायदा ये होगा रुपेश जी कि आपका जो गोल्ड घर में आइडल था, आपका जो गोल्ड घर में पड़ा हुआ था, यू विल गेट इंटरेस्ट ऑन दैट. द गोल्ड द मेजर एडवांटेज ऑफ अ गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम इज दैट यू विल गेट बेनिफिट और अ प्रॉफिट on your GMS. मैं रिपीट फिर से कर दूँ, GMS is a system, is a scheme where the idle gold lying in your house can be deposited in a bank and the bank will provide you a interest on that. वो gold जो आपके पास घर में है, अगर उसको आप bank में देते हो तो उस पर आपको interest मिलेगा, जो इसका advantage यहाँ पर आपके सामने होता है. ठीक है, चलिए आते हैं हमारे आज के पहले headline पर. Tata's Natarajan Chandrasekharan has been renominated as the part-time non-official director on the RBI Central Board. जो RBI के जो टाटा सन्स टाटा के डायरेक्टर हैं, टाटा के चेयरमैन हैं मिस्टर चंद्रशेखरन, ही हैज़ बीन रीनॉमिनेटेड एज द पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द RBI फॉर 2 more years. आने वाले 2 सालों के लिए इनको दोस्तों ऐड किया गया है. अगर हम RBI की बात करें तो RBI का जो सेंट्रल बोर्ड है, RBI सेंट्रल बोर्ड बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 21 मेंबर्स. इन 21 मेंबर्स में से आपके वी हैव 5 members विच आर द ऑफिशियल डायरेक्टर्स. ठीक है, और ये डायरेक्टर्स आपके होते हैं, 1 होता है आपका RBI गवर्नर, द रिमेनिंग 4 आर द RBI डिप्टी गवर्नर.
ठीक है, आरबीआई डेप्टी गवर्नर. देन आउट ऑफ द 16 4 आर द रीजनल हेड ऑफ आरबीआई, जो आरबीआई के रीजनल हेड्स हैं वो होते हैं आरबीआई के, और बाकी जो आपके 12 होते हैं उनको आपका नॉमिनेट या फिर अपॉइंट आपका करता है आरबीआई. तो इन 16 में से अभी फिर से एन चंद्रशेखरन को फॉर द सेकेंड टाइम ही हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर 2 more years, उनको आने वाले 2 सालों के लिए रीनॉमिनेट यहाँ पर किया गया है. समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं. आरबीआई का एक होली ओन्ड सब्सिडरी है. नाउ व्हाट इज़ अ होली ओन्ड सब्सिडरी? अ होली ओन्ड सब्सिडरी बेसिकली मीन्स एक पूर्ण स्वायत्ता अनुषंगी, मतलब 100% जो इसके शेयर्स हैं दीज आर ओन्ड बाय द आरबीआई. और इस पर्टिकुलर सब्सिडरी का नाम है आपका इफ्टास. क्या नाम है इसका? इसका नाम दोस्तों जो है दैट इज़ इफ्टास. ये इसका नाम यहाँ देखिए दिया हुआ है, द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी इज इफ्टास. अब अगर हम इफ्टास की बात करें, इसका इफ्टास का फुल फॉर्म की बात करें, तो इफ्टास का जो फुल फॉर्म है इट इज़ इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, ये इसका फुल फॉर्म है. ठीक है, तो इफ्टास जो एक होली ओन्ड सब्सिडरी है जिसमें 100% शेयर आपके आरबीआई के हैं, उसने अपॉइंट किया है टी टाबी शंकर को एज द चेयरमैन एंड एन राजेंद्रन सर को एज द सीईओ. रिपीट फिर से कर दूंगा इस, द इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज विच इज़ अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ द आरबीआई हैज़ अपॉइंटेड मिस्टर टी टाबी शंकर एंड एन राजेंद्रन एज द चेयरमैन एंड द सीईओ ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये रहा आपके सामने देखिए दिया हुआ है, इसको हटा दो. यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये सब्सिडरी है. अब अगर हम इफ्टास की बात करें, इट प्रोवाइड्स दीज 3 सर्विसेज. पहली वो करती है इन्फीनेट को विच इज़ इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क, सेकंड करती है SFMS को विच इज़ स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम, एंड थर्ड करती है वो गिफ्ट को दैट इज़ ग्लोबल इंटरचेंज फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. इन 3 को दोस्तों ये इफ्टास जो है वो प्रोवाइड करती है. ऑल ऑफ दीज 3 सर्विसेज आर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सर्विसेज और IT सर्विसेज. अगर हम इफ्टास की बात करें, द हेडक्वार्टर्स ऑफ इफ्टास गाइज आर इन मुंबई महाराष्ट्र. मुंबई महाराष्ट्र में आपके दोस्तों इफ्टास के हेडक्वार्टर्स बताए गए हैं, इसको यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा. ठीक है, चलिए देते हैं. हर्षवर्धन जी आज नहीं दिया जानबूझकर, पर बिल्कुल देते हैं. आप रेगुलर रहो, बिल्कुल देते हैं. ठीक है, आप रेगुलर रहो, बिल्कुल देते हैं. यस. चलिए आगे बढ़ते हैं. और ये रहा आपके सामने गाइस, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो, इसके अब बने हैं नए हेड. फॉर एग्जाम्पल, ऑल इंडिया रेडियो की अध्यक्ष बनी है आपकी मिस इरा जोशी. शी इज़ द हेड ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो. और मयंक अग्रवाल बने हैं आपके हेड ऑफ द दूरदर्शन. वो दूरदर्शन के दोस्तों आपके जो हेड हैं वो बनाए गए हैं, तो इसको याद रखिएगा गाइज. फॉर दूरदर्शन इट इज़ मिस्टर मयंक अग्रवाल, एंड फॉर AIR इट इज़ मिस इरा जोशी, जिनको बनाया गया है हेड ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो. ये अब आपके नए अपॉइंटमेंट्स यहाँ पर आपके हुए हैं. आगे बढ़ते हैं गाइज. झारखंड जो स्टेट है उसने एक जॉब गारंटी स्कीम लॉन्च की है फॉर दी अर्बन पुअर. जो अर्बन पुअर हैं उनके लिए एक स्कीम लॉन्च करने वाली है झारखंड सरकार. इस स्कीम का दोस्तों नाम है मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, दैट इज़ द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम. ये स्कीम का दोस्तों यहाँ पर नाम दिया हुआ है. ये स्कीम की बात करें तो बेसिकली ये जो स्कीम होगा इट विल प्रोवाइड 100 days ऑफ वर्क. ये आपका 100 days का वर्क प्रोवाइड करेगा, और इसमें आपको अगर वर्क नहीं मिलेगा तो विद इन 15 days इट विल ऑल्सो प्रोवाइड एन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस. आपको 15 दिन के अंदर एक अनएम्प्लॉयमेंट का अलाउंस भी दिया जाएगा. इसमें जो वेजेस होंगे दैट विल बी एट लीस्ट 40% हायर दैन दी वेजेस ऑफर्ड अंडर मनरेगा. मनरेगा के अंडर आपका झारखंड में ऑफर होता है 194 rupees, तो कम से कम इससे 40% हायर आपका ये अमाउंट यहाँ पर होगा, और उस वजह से ये आपका यहाँ पर आपको यहाँ पर ये देखना भी पड़ेगा. और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मिनिमम 7 days का वर्क तो आपको यहाँ पर दिया ही जाएगा. एटलीस्ट 7 days वर्क विल बी गिवन, मैक्सिमम 100 days वर्क विल बी गिवन. एंड द नेम ऑफ दिस योजना गाइज इज मुख्यमंत्री श्रमिक योजना. इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री श्रमिक योजना. झारखंड से चलते हैं अब हम राजस्थान की ओर. राजस्थान की खबर की बात करें तो राजस्थान ने लॉन्च किया है
दी इंदिरा रसोई योजना, क्या लॉन्च किया इसने, द इंदिरा रसोई योजना. अंडर दिस योजना गाइस राजस्थान विल प्रोवाइड 2 meals ईच डे टू द पुअर. और ये योजना काफ़ी सिमिलर है टू दी अन्नपूर्णा रसोई योजना, जिसको यहाँ की जो फॉर्मर CM थी उन्होंने लॉन्च किया था. इस पर्टिकुलर योजना में 5 रुपये से लेकर 8 रुपये तक का ब्रेकफास्ट लंच मिलेगा आपको. और इट वॉज सिमिलर टू दी अम्मा कैंटीन स्कीम ऑफ तमिलनाडु. उसी पर्टिकुलर योजना को एक तरह से रीनेम किया है बाय द राजस्थान गवर्नमेंट, और उसका नाम जो है दैट इज़ द इंदिरा रसोई योजना. इस योजना में ₹5 में ब्रेकफास्ट मिलेगा, ₹8 में लंच मिलेगा. इसका पहले नाम था आपका द अन्नपूर्णा रसोई योजना, याद रहेगा आप सबको. मैं रिपीट फिर से कर दूंगा इस, राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ बेसिकली लॉन्च्ड अ न्यू योजना विच इज़ कॉल्ड एज द इंदिरा रसोई योजना. इस योजना को लॉन्च किया गया है फॉर प्रोवाइडिंग ब्रेकफास्ट एंड लंच एट अफोर्डेबल कॉस्ट पे. ब्रेकफास्ट और लंच प्रोवाइड यहाँ पर दोस्तों जो है वो किया जाएगा, वो इस योजना का दोस्तों यहाँ पर नाम जो है वो दिया गया है. ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारी नेक्स्ट खबर पे. ऋषि सुनाक जो कि ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं UK के, ही हैज़ अपॉइंटेड इंडियन ओरिजिन CEO एज द हेड ऑफ द UK's फाइनेंशियल वॉच डॉग दैट स्टैंड्स फॉर द फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी FCA. जैसे कि इंडिया में आपका SEBI है, वैसे ही वहाँ पर आपका FCA है. मैं ज़रा इसको भूल जाइएगा, हाँ. तो FCA के जो नए एग्जीक्यूटिव बने हैं, जो नए अध्यक्ष बने हैं, उनका नाम है मिस्टर निखिल राठी. ही इज़ राइट नाउ द चीफ एग्जीक्यूटिव, द CEO ऑफ द लंडन स्टॉक एक्सचेंज, एंड नाउ ही हैज़ ऑल्सो बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द FCA. अगर हम FCA की बात करें तो FCA रेगुलेट्स द UK फाइनेंशियल मार्केट्स विच कंसिस्ट ऑफ 59,000 फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म्स. And Rathi has succeeded Christopher Woolard, who has been appointed for a 5-year term. So repeat, फिर से आप क्लिक कर दूंगा इस. Nikhil Rathi is the new CEO of the FCA, that is the Financial Conduct Authority, which is the official regulator of the financial services as well as the financial market of UK. इनके अपॉइंटमेंट की गई है इन प्लेस ऑफ क्रिस्टोफर वूलॉर्ड, और ये 5 साल के लिए अपॉइंट आपके किए गए हैं. ही हैज़ बिन अपॉइंटेड बाई ऋषि सुनाक, हु इज़ द ट्रेजरी सेक्रेटरी ऑफ UK. अब आते हैं दोस्तों हमारे आज के न्यूज़ मेकर्स पे, और ये रहा हमारा आज का पहला न्यूज़ मेकर. दी ITC ग्रुप हैज़ लॉन्च्ड ई चौपाल 4.0 विच विल हेल्प द फार्मर्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स, इन फार्म मैकेनिक्स, इन हेल्थ केयर, इन इंश्योरेंस ऑफ क्रॉप्स एंड अदर थिंग्स. तो गाइज ITC ने दोस्तों लॉन्च किया है एक ई चौपाल 4.0 विच विल हेल्प द फार्मर्स इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इन द फार्मिंग. कृषि के क्षेत्र में जो तकनीकी चेंजेस आए हैं उनमें हेल्प करेगा आपका ई चौपाल 4.0. यहाँ पर एक ही सवाल बनेगा, दैट क्वेश्चन विल बी ई चौपाल 4.0 को किसने लॉन्च किया है. उसका आंसर होगा आपका ITC ने दोस्तों ई चौपाल 4.0 को हाल ही में लॉन्च किया है. अब आते हैं हमारे आज के चलते चलते हेडलाइंस पर, और दी चौपाल होती है एक एरिया में बैठक. ऑलराइट, और अब आते हैं दोस्तों हमारे चलते चलते हेडलाइंस पर. सेंटर ने सैंक्शन किया है 190 करोड़ रुपीज़ फॉर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में हेल्थ केयर को बढ़ाने के लिए 190 करोड़ रुपए दोस्तों प्रोवाइड किए गए हैं बाय द सेंटर. येस बैंक और अफोर्ड प्लान ने लॉन्च किया है एक नया कार्ड कॉल्ड एज स्वस्थ कार्ड. रिपीट फिर से करूँगा, येस बैंक ने, अफोर्ड प्लान ने लॉन्च किया है एक नया कार्ड कॉल्ड एज स्वस्थ कार्ड. यूको बैंक ने टाई अप किया है 4 इंश्योरेंस कंपनीज के साथ फॉर वेरियस इंश्योर प्रोडक्ट्स, जिनमें आपका ओरिएंटल इंश्योरेंस है. मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, यस, जिनमें आपका ओरिएंटल इंश्योरेंस है, रिलीगेयर हेल्थ इंश्योरेंस है, स्टार हेल्थ है, और अलाइड इंश्योरेंस कंपनी है. अगेन रिपीट, इट हैज़ SBI लाइफ, ओरिएंटल इंश्योरेंस, रिलीगेयर इंश्योरेंस एंड स्टार हेल्थ. ये 4 कंपनीज हैं जिनके साथ टाइप किया है. उन 4 का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है. वीर चक्र अवार्डी जनरल लक्ष्मण सिंह का देहांत हुआ है. 21 जून को द वर्ल्ड ऑब्जर्व द सेलिब्रेशन ऑफ द सॉल्स्टिस डे. और इसरो को मिला है पेटेंट फॉर लिक्विड कूलिंग ऑफ हीटिंग गारमेंट फॉर एस्ट्रोनॉट. उसके लिए उन्हें दोस्तों पेटेंट यहां पर जो है वो दिया गया है. समझ में आ गया सबको. अब आते हैं हमारे आज के होमवर्क पे, और ये रहा आपका आज का होमवर्क. सवाल पहला है, प्लीज़ टेल मी कमेश्वरी, बी रेगुलर यू विल अंडरस्टैंड. द फर्स्ट क्वेश्चन होमवर्क गाइस इज, प्लीज टेल मी एक्सपैंड द फुल फॉर्म ऑफ FATF, एक्सपैंड द फुल फॉर्म ऑफ FIMMDA, एक्सपैंड द फुल फॉर्म ऑफ
EFT POS, expand the full form of MDR, expand the full form of BIRD, which is associated with NABARD. ठीक है, ये पांच आपको क्वेश्चंस करने हैं. आई वॉन्ट 1000 कमेंट, आई वॉन्ट 1000 लाइक्स गाइज इन दिस वीडियो, एंड आई वॉन्ट 100 पीपल टू कमेंट, एंड लेट्स मेक दिस वीडियो रीच द मैक्सिमम पीपल पॉसिबल. बाय गाइज, टेक केयर, प्रेप स्मार्ट, स्टे सेफ एंड गो ग्रेट अप गाइज. थैंक यू सो मच, बाय.